नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिव गुप्ता। साहिल देव फैक्ट चेक में स्वागत है आप सभी का। सोशल मीडिया का जमाना, और सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस वायरल किए जाते हैं जिनका सच्चाई से देखिए दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति थोड़े से जागरूक रहें। आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल ना कीजिए। कई खबरें तो देखिए किसी सार्वजनिक हस्ती की इमेज तक खराब कर देती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें और वीडियोस होते हैं जिनका समाज पर गलत असर पड़ता है। खबरों की इसी बाढ़ में जरूरी हो जाता है कि हम जिन फोटोज या वीडियोस पर संदेह करते हैं उसका फैक्ट चेक कर लें। आज ऐसी ही कुछ खबरों की हम पड़ताल करेंगे, उसके पीछे का सच क्या है आप सबके लिए सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले भालुओं की टोली अयोध्या पहुंच गई। पड़ताल में आगे आपको वायरल वीडियो का पूरा सच दिखाएंगे। हमारी दूसरी खबर में हम उस वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के मियामी में एक मॉल के बाहर 10 फुट का एलियन देखा गया। पड़ताल में आगे आपको वायरल वीडियो का पूरा सच दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक का आज का ये सफर। किसी ग्रामीण इलाके में दौड़ते भालुओं का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले जामवंत की सेना अयोध्या पहुंच गई। गौरतलब है कि जामवंत नामक भालू को रामायण का एक प्रमुख किरदार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे, और जब हनुमान अपनी शक्तियों को भूल गए थे तो जामवंत ने ही उन्हें इन शक्तियों की याद दिलाई थी। अब वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों पर है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस बीच राम मंदिर से जुड़े ढेरों तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भालुओं के झुंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स का दावा है कि ये भालू प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और भगवान राम को देखने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, कोई चमत्कार अथवा प्रभु दर्शन के लिए भालुओं का झुंड पहुंचा अयोध्या। भालू अपने 4 शावकों के साथ आए अयोध्या। जय श्री राम। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि भालुओं का झुंड अपने शावकों के साथ अयोध्या पहुंचने लगा है। वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो गया था कि वायरल वीडियो का आखिर सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि अगर भालुओं का झुंड अयोध्या आ रहा होता तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होती, लेकिन किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर इससे जुड़ी हुई कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली। इसके अलावा वीडियो को गौर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि किसी गांव पर भालुओं की टोली ने अटैक कर दिया है और दहशत फैलाने पर भालुओं को खदेड़ा जा रहा है। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, और ऐसे में पहला सवाल जो हमारे जहन में आया वो ये कि वायरल वीडियो के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। दूसरा सवाल ये कि किसी और जगह के वीडियो को अयोध्या से जोड़कर वायरल करने की कहीं कोशिश तो नहीं की जा रही। इस वीडियो के जरिए और इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं इसकी सच्चाई क्या है। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने गूगल पर संबंधित कीवर्ड की मदद से सर्च करना शुरू किया। हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मिली। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र से लगे ग्रामीण इलाके में भालुओं का एक समूह रिहायशी इलाके में घुसाया। साथ ही रिपोर्ट में वन विभाग के टीम के हवाले से ये भी बताया गया है कि मोबाइल टावर पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, इसी कारण शहद के लालच में भालू गांव में घुस आए। रिपोर्ट में वीडियो का लंबा वर्जन भी मौजूद है। 23 सेकंड के वायरल वीडियो वाले हिस्से को देखा जा सकता है। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक अन्य न्यूज रिपोर्ट एक और आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। 4 जनवरी 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार शहडोल जिले के आसपास घना जंगल है। ऐसे में अक्सर शहडोल जिले के कई इलाकों में जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ शहडोल के बनसुखड़ी गाँव में भी हुआ। दरअसल एक मादा भालू अपने 4 बच्चों के साथ गाँव में घुस आई। रिपोर्ट में वायरल वीडियो मौजूद है। इस तरह हमारी पड़ताल से यह साफ हो गया कि भालू के झुंड के अयोध्या पहुंचने के नाम से वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ग्रामीण इलाके में भालू दिखने की यह घटना मध्य प्रदेश के शहडोल शहर के जयसिंह नगर की है।
करीब एक हफ्ते पहले मादा भालू अपने बच्चों के साथ भटकते हुए रिहायशी इलाके में आ गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मियामी के एक मॉल के बाहर सड़क पर खुलेआम घूमते हुए 10 फुट के एलियन को लोगों ने देखा है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच निकला, क्या झूठ निकला, देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। एलियन के धरती पर आने और इंसानों के उन्हें देखे जाने के दावे दुनिया भर से कई बार सामने आ चुके हैं। एक बार फिर मियामी से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मियामी के एक मॉल के बाहर का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहां सड़क पर खुलेआम घूमते हुए एक 10 फुट के एलियन को लोगों ने देखा है। सोशल साइट एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में मॉल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। माहौल भगदड़ जैसा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया कि मियामी में मॉल के बाहर 10 फुट का एक एलियन देखकर लोग घबरा गए और लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। एक एक्स यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि मुझे नहीं पता कि मियामी मॉल में एलियंस के बारे में अफवाहें सच हैं या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कभी भी एक साथ इतनी सारी पुलिस नहीं देखी है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। वीडियो के जरिए दावा यह किया गया कि मियामी मॉल के बाहर 10 फुट का एलियन देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे के पूरे इलाके को घेर लिया। अब वायरल वीडियो के जरिए चौंकाने वाला दावा किया जा रहा था। अगर सचमुच में 10 फुट का एलियन देखा गया होता तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर होती, लिहाजा हमने वायरल वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखा और गौर से देखने पर बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप लाल घेरे में एक साय को देख रहे हैं जिसे एलियन कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये एलियन है? हो सकता है किसी इंसान की छाया हो और लोगों ने इसे एलियन समझ लिया हो। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और ऐसे में पहला सवाल जो खड़ा हुआ वो ये कि अगर दावा सच है तो दावे का प्रमाणिक आधार क्या है। दूसरा सवाल यह कि कहीं वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। इस रिपोर्ट के जरिए सच्चाई जान लेते हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमने अपनी तहकीकात शुरू की। सर्च के दौरान कई अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स पर वायरल वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स के जरिए ये जानकारी सामने आई कि नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी की रात 60 से अधिक पुलिस वैन मियामी शहर के एक मार्केट प्लेस में दो ग्रुप के बीच हुए विवाद को रोकने के लिए वहां पहुंचे थे। दरअसल दोनों ग्रुप से जुड़े युवक आतिशबाजी कर रहे थे, जिससे भगदड़ मच गई। वीडियो उसी के दौरान का है। इन रिपोर्ट्स के जरिए ये भी बताया गया कि उसी वीडियो को एलियन से जोड़कर सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी गई। सर्च के दौरान एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें मियामी पुलिस के हवाले से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मियामी पुलिस के मुताबिक कोई एलियन यूएफओ या इमरजेंसी नहीं है, कोई हवाई अड्डा बंद नहीं किया गया है, कोई बिजली कटौती नहीं हुई है। दरअसल मॉल के बाहर किशोर बच्चों के दो ग्रुप का आपस में झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि मौके पर पुलिस को पहुंचकर मामले को शांत करवाना पड़ा। इसी वजह से लोग यहां से वहां दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर्च के दौरान इंस्टाग्राम पर मियामी पुलिस का बयान भी मिला, जिसमें उन्होंने वायरल वीडियो के बारे में फैल रही सारी अफवाहों को गलत ठहराया। Just a person walking with a shadow. So I can confirm to you all here today right now that there are no aliens in Miami in Bayside Marketplace at the moment. इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो के जरिए गलत दावा किया जा रहा है।
दरअसल 1 जनवरी की रात मियामी शहर के एक मॉल के बाहर किशोर बच्चों के दो ग्रुप का आपस में झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि मौके पर पुलिस को पहुंचकर मामले को शांत कराना पड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने के लिए घटना के वीडियो को एलियन वाला वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद कई और यूजर्स इसे सच बताते हुए शेयर करने लगे। हमारी जांच में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।